Good morning dear students. Today in this video we will solve exercise number 2 of chapter 6. Okay, in previous video we have to solve already exercise number 1. So let us start this exercise in this video. Question number 1 of this exercise is, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन नंबर्स. यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन इसमें इवन नंबर्स हैं. तो मैं आपको बता दूं इवन नंबर्स हम लोग कैसे पहचानेंगे. इवन नंबर्स देखिए, कोई भी नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है. लास्ट डिजिट हम लोग को देखना है उस नंबर का. अगर क्या है, लास्ट में जीरो है या टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, अगर इसमें से कोई भी एक नंबर लास्ट डिजिट दिखेगा तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इवन. अगर इसमें से पांचों में से अगर कोई भी नंबर उसमें नहीं दिख रहा है लास्ट में, तो हम लोग कहेंगे वो ऑड है. वो क्या है, ऑड. वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा. तो आइए हम लोग चेक करते हैं इसमें इवन कौन कौन है. तो इसके लास्ट में सिक्स है, ये इवन है. ओके, और उसके बाद इसके लास्ट में सेवन है, ये इवन नहीं होगा. ये वन है, इवन नहीं होगा. इसके लास्ट में एट है, देखिए एट है इसमें, ये इवन हो जाएगा. ये फोर है तो ये भी इवन हो जाएगा. एट है, ये भी इवन हो जाएगा. ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी इवन हो जाएगा. ये इवन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये इवन हो जाएगा. ऐसे इजीली हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इवन नंबर्स को. या फिर यूँ करो, जो भी इवन नंबर्स हैं सबको क्या करो, टू से डिवाइड करो. जो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा टू से वो इवन नंबर्स हो जाएगा, और जो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा टू से वो ऑड नंबर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इवन नहीं है वो क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ऑड. ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड. तो इस तरह से ऑड नंबर हम इजीली क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. ठीक है, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30. 10 और 30 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स को हम लोग को लिखना है. तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर वन से डिविजिबल होते हैं. ठीक है, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. तो यहाँ पे 10 और 30 के बीच में नंबर्स को हम लोग को पहचानना है कि कौन कौन प्राइम नंबर हैं. जैसे इसके बीच में 10 और 30 के बीच में 11 हो जाएगा प्राइम नंबर, क्योंकि ये क्या होता है, खुद से डिविजिबल होता है, नहीं किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है. 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ 23 हो जाएगा. ओके, और क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा. दीज आर द सिक्स नंबर्स, ओके, विच आर प्राइम इन बिटवीन 10 एंड 30. 10 और 30 के बीच के क्या हो जाएंगे, सिक्स हमारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे. इनके अलावा अन्य कोई नंबर प्राइम नहीं होगा इनके बीच में. ठीक है, ऐसे आप इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं हम लोग. थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ नंबर्स दिए हैं, इसमें पहचानना है कि कौन कौन इसमें प्राइम है. इसमें कौन कौन प्राइम है, जैसे 5 प्राइम है, 11 प्राइम है, 17 प्राइम है, उसके बाद से 41 प्राइम है. ओके, 57, ये प्राइम नहीं होगा, ये प्राइम नहीं होगा क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है. ठीक है, फिर से 79 प्राइम है. ठीक है, 83 प्राइम है, फिर से 97 प्राइम है. यानी कि ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होंगे, अन्य किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, वो प्राइम हो जाएगा. ऐसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर ट्विन प्राइम्स. ये कुछ नंबर्स दिए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से बताइए कि कौन सा पेयर क्या है ट्विन प्राइम्स को शो करते हैं. ट्विन प्राइम्स का मतलब जो भी पेयर दिया गया होगा प्राइम का, उसमें हम लोग को देखना होगा कि मतलब ये क्या है, इसका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, टू आ रहा है कि नहीं. अगर दो क्रम से प्राइम नंबर दिए गए हैं तो उनका डिफरेंस अगर टू आ रहा है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम. जैसे यहाँ पे देखिए, 7-5 क्या हो जाएगा, 2. 73-71 क्या आ जाएगा, 2. ये क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम्स हो जाएंगे. क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम्स. ओके, और ये चूंकि ये प्राइम है ही नहीं है, क्योंकि 27 प्राइम नहीं होता है, 45 भी प्राइम नहीं होता है, तो इनको तो हमको लेना ही नहीं है. इसमें से ए और सी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. इस तरह से 4 क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व अदर
रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.